इस मॉड्यूल में हम सीक कम्बर के अंदर इम्पोर्टेंट फिनिना रीजनरेशन रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे रीजनरेशन दिस इज द कैपेबिलिटी ऑफ रिगेनिंग द लॉस्ट बॉडी पार्ट्स एंड इट इज़ वेरी एविडेंट इन ऑल मेंबर्स ऑफ द फ़ाइलम दिनोडरमेम एंड सीक कम्बर इज़ वन ऑफ दम इसके अलावा अगर हम रिप्रोडक्शन में आए तो सीक जो हैं दे आर डायोशियस डायोशियस का मतलब है मेल एंड फीमेल स्पीशीज जो हैं दे आर सेपरेट दे आल्सो प्रोजेस अ सिंगल गोनेट एंड गोनेट इज लोकेटेड इंटीरियरली इन द सिलोम और उसमें जो डक्ट है दैट इज नोन एज गोनोपोर गोनोपोर इज आल्सो सिंगर इट इज लोकेटेड ईयर द बेस ऑफ टेंटिकल्स फर्टिलाइजेशन होगी मेल मेल जो है दे विल प्रोड्यूस पम्प फीमेल दे प्रोडूस एग्स फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ सीकर्स इट इज एक्सटर्नल मीनिंग इट इज आउटसाइड द बॉडी उसके बाद जयगोड बनेगा जयगोड डिवेलप करेगा इन टू एम्ब्रियो और एम्ब्रियो जो है आफ्टर गोइंग थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दे विल गो टू द लार्वा और ये लार्वा जो है दिस इज अ फ्री फ्लोटिंग लार्वा और या इसको हम प्लैंकटोनिक लार्वा भी कह देते अब लार्वे के अंदर मेटामॉर्फोसिस होगी मेटामॉर्फोसिस क्या है सीरीज ऑफ चेंजेस दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम लार्वल टिल द फॉर्मेशन ऑफ अडल्ट और उसके बाद जो है ये लार्वा दिस विल सेटल इट्स टू टू सबस्ट्रेट कुछ स्पीशीज के अंदर जो फीमेल के टेंटिकल हैं दे ट्रैप द एग्स एज द एग्स आर रिलीज फर्टिलाइजेशन के बाद एग्स जो हैं दे आर ट्रांसफर्ड वेयर दे कैन बी ब्रूडेड। आल दो इट इज़ रेयर फिनमिना के स्लोमिक ब्रूडिंग जो है वो वेरी रेयर है एग्स जो हैं दे आर रिलीज्ड इन द बॉडी कैविटी where fertilization will occur and all the stages till the formation of development will be completed here. Now the young larva uh, hoga will develop, karega, this will leave the body by rupturing the body wall. Sea Cucumbers can also reproduce by transverse fusion, and this is a mode of asexual reproduction. So Sea Cucumber they will have a, both mode of reproduction. Sexual as well as asexual, and this is the, again followed by the regeneration of lost parts. Here, you can see this is the larva, pre swimming, pre floating yeah, planktonic larva. This is uh, having cilia or ciliary bands, and ultimately, this larva will attach itself to some substratum and develops into the adult sea cucumber. So, this was all the regeneration, reproduction, and development in sea cucumber.